कौशिक जी, देखिए आज ऑब्वियसली जो ट्रेड होगा थोड़ा सा वीकनेस की तरफ ही होगा। अभी ये देखना पड़ेगा कि पहला पुल बैक मिलेगा या सीधा ये गिरेगा मार्केट। सो द पॉइंट इज, जहाँ पे वीकनेस है वो सेक्टर है आईटी स्टॉक्स, और आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वीकनेस हमने सबसे ज्यादा वीक वाली सेलिंग प्रेशर देखा है, उसमें से एक्सेल टेक मुझे सबसे ज्यादा वीक दिखता है। तो एक्सेल टेक्नोलॉजीज जो करीबन 900 के आसपास है, अगर आप पुल बैक मिले तो बेटर, 925 का स्टॉप लॉस रखेगा और जो टारगेट है दैट इज 865। HCL टेक पे बिकवाली करने का कॉल आता हुआ। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के जो टॉप कॉल्स हैं। इकलौता बाय, बाकी सारे सेल आइडियाज हैं, ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा मूड जैसा चेंज हो रहा है, वैसे एक्सपर्ट्स के टॉप कॉल्स बदल रहे हैं। गाबर सर ने शुरुआत करी थी एक्साइड इंडस्ट्रीज सेल करने की बात, 162 के टारगेट। प्लीज सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। कविता जी ने पीआई इंडस्ट्रीज में बिकवाली करने का कॉल इनिशिएट किया है 3185 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब कह रहे हैं रेन इंडस्ट्रीज बेचने के मौके, 180 का स्टॉप लगाएं, प्लेट फ्लिप करिए। और मानस का इंडियन होटेल्स पे अब एक सेल कॉल आता हुआ 330 के स्टॉप के साथ। एचसीएल टेक भी एक सेल कॉल है सतपुते साहब का, 925 के स्टॉप के साथ बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है। किसी भी पुल बैक पे रिकवरी में बिकवाली ज्यादा बेहतर। और इकलौता बाय कॉल ट्रेडिंग के लिहाज से वो आपकी स्क्रीन पर, ग्रैनुल्स इंडिया 310 के स्टॉप के साथ इवेंचुअली 340 तक की कर रहा है तैयारी। इसका जो बायबैक पीरियड है वो 27 सितंबर ऑनवर्ड्स खुल रहा है, तो इसीलिए शायद वो स्टॉक खबरों में भी हरकत दिखाएगा। और इंटरेस्टिंग पिक ग्रैनुल्स इंडिया रेडार पे।